लेकिन अब भी कई ऐसे एटीएम हैं जिन्होंने कैश देना शुरू नहीं किया है, और अगर एटीएम्स रिकैलिब्रेट हो भी गए हैं तब भी उन तक कैश नहीं पहुंच रहा है। हम इस वक्त मध्य मुंबई के भक्ति पार्क इलाके में हैं और ये एचडीएफसी बैंक का एटीएम है, और इस एटीएम में दो मशीनें हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही मशीनें जो है वो काम नहीं कर रही हैं। यहां पर लोग आते हैं पैसा निकालने के लिए इस उम्मीद से कि यहां पर कैश मिलेगा, लेकिन उन्हें पैसा नहीं मिल पाता क्योंकि मशीनों में कैश ही नहीं भरा जा रहा है। हमारे पड़ोस में यहाँ पर स्नैक्स की एक दुकान है, इनसे जानते हैं। भाई साहब बताइए कि ये एटीएम कब से काम नहीं कर रहा है? 4-5 दिन से नहीं चल रहा है, पिछले 2 हफ्ते के पिछले में 2-3 बार कैश डाले हैं बस। जब से नोटबंदी लागू हुई है तब से कितनी बार इस एटीएम ने काम किया है? 2-3 बार कैश डाले हैं बस, 15-20 मिनट में खत्म हो जाता है। तो जब से आपने सुना कि जब से नोटबंदी लागू हुई है तब से सिर्फ 2 या 3 बार जो है इन एटीएम मशीनों में कैश डाला गया है, और वो भी तुरंत 15-20 मिनट में जो है कैश खत्म हो जाता है। कैमरामैन कृष्णा खापरे के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज मुंबई। आज 17वें दिन एटीएम्स के, भारत के एटीएम्स का क्या हाल है ये जानने के लिए एबीपी न्यूज पहुंचा है गाजियाबाद के लोहिया नगर के इस ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के एटीएम में। हमारे साथ एक शख्स है अब्दुल हफीज साहब, ये अपना एटीएम में जो है कार्ड लगा के देखने की कोशिश करेंगे। हम दिखाएंगे आपको कि इस एटीएम में क्या पैसा है या नहीं है। इन्होंने एटीएम का कार्ड अपना लगाया है। अब्दुल साहब निकालिए, क्या आ रहा है दिखाइए हमें जरा, क्या एटीएम में पैसा है या नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये एटीएम की जो स्क्रीन है ये काम नहीं कर रही है। बार बार अब्दुल साहब कार्ड अपना इंसर्ट कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद इसमें कुछ नहीं आ रहा है। तो हमें ये बता रहे थे कि आप रोजाना यहाँ आते हैं, क्या ये रिकैलिब्रेट हो चुका है या नए नोट निकल रहे हैं? यहाँ 2000 रुपये का एक नोट निकला है मेरे पास, एक हफ्ते में एक नोट आया है 2000 रुपये का, और मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि मेरी भतीजी की शादी है उसमें थोड़े से पैसों की ज़रूरत है, तो सारे पैसे तो इसमें जमा कर दिए थे, अब दो पैसे के लिए भीख मांगनी पड़ रही है लोगों से। तो ये अब्दुल हफीज़ साहब हैं जो ये बता रहे हैं कि 6 दिन में ये लगातार इस एटीएम में आ रहे हैं, हालांकि रिकैलिब्रेट हो चुका है ये एटीएम लेकिन इनको केवल 2000 रुपये मिले हैं। परेशानी बड़ी है, भतीजी की शादी है और पैसे की इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गाजियाबाद से कैमरामैन कुलदीप वर्मा के साथ विपिन तोमर, एबीपी। करीब 17 दिन हो गए हैं और करीब 1,10,000 एटीएम को रिकैलिब्रेट करने की बात हुई है, यानी कि अब एटीएम जो है 2000 रुपए के और 500 रुपए के नए नोट इन 1,10,000 एटीएम से निकाले जाएंगे। लेकिन हालात क्या हैं? सिलमपुर इलाके की हम आपको हालात दिखा रहे हैं। सिलमपुर इलाके में ये एक्सिस बैंक है और एक्सिस बैंक में अभी अगर हम यहाँ पर चेक करें तो सुबह सुबह का वक्त है और एटीएम यहाँ पर बंद है, प्रॉपर एटीएम यहाँ पर बंद है, काम नहीं कर रहा है। कुछ लोग यहाँ पर बाहर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि इस एटीएम के क्या हालात रहते हैं। सर एटीएम इसके क्या फिलहाल बंद है? एटीएम क्या हालात रहते हैं इसके अमूमन? बहुत बुरे हालात हैं इसके, मगर लाइन लगी रहती है, समझे? लाइन लगी रहती है यहाँ पर, लोगों को बहुत दिक्कत, बहुत परेशानियां हो रही हैं। एक आगे भी एटीएम है, वहाँ पर भी यही परेशानी है लोगों को। ज्यादातर बंद रहते हैं, ज्यादातर यहाँ पे ऐसे ही बंद रहते हैं, ये लगा लो। हम इस समय लखनऊ से 90 किलोमीटर दूर पुराने सीतापुर के इलाके में खड़े हैं। पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम है, आप देख सकते हैं कि इस पे लिखा हुआ है साफ 24 घंटे खुलने का दावा, लेकिन अभी तक एटीएम खुला नहीं है। सुबह कल लगभग 7:30 बज रहा है, चाय का होटल भी है। पुराने सीतापुर की बड़ी आबादी लगभग यहाँ पर आके इकट्ठा होती है सुबह, यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या स्थिति है, एटीएम अभी तक खुला है या नहीं खुला है, क्या स्थिति है एटीएम की? एटीएम की स्थिति ये है कि ये खुलता ही नहीं है, जब से नोट बंद हुआ है तब से खुलता ही नहीं, और मैं मानता हूँ यहाँ पे करीब 4 लाख की आबादी है जिसमें टोटल 3 एटीएम हैं, जिसमें तो 2 तो बंद ही रहते हैं, एक खुलता है तो उसमें कैश नहीं होता, एक बार शायद कैश पड़ा है मेरी जानकारी में, और उसमें जब हमने लाइन लगाई जब तक के नंबर आया तब तक के कैश खत्म हो गया, काफ़ी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ रहा है। और दुकानदारों की क्या स्थिति आप यहाँ के सभा? ये जो है दुकानदारों की ये स्थिति कि रोज हमारे वहाँ मुस्लिम समाज के लोग हैं, गरीब कुचले के लोग हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, और जो है दुकानदार जो है उधार देने से इनकार करता है। एटीएम से पैसा नहीं निकल रहा है, लोग एकदम जेबों से खाली हो चुके हैं। कैमरामैन लविश के साथ राहुल अरोरा, एबीपी न्यूज सीतापुर। 1,10,000 एटीएम को रिकैलिब्रेट करने की बात करी गई है, यानी कि जो 2000 और 500 रुपए के नए नोट हैं वो इन 1,10,000 एटीएम जो है उनमें उनकी सर्विस ठीक कर दी गई है, ऐसा सरकार की तरफ से कहना है। लेकिन गोंडा इलाके का क्या हाल है? गोंडा इलाके में ये पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक की गोंडा ब्रांच है, यहाँ पर लोग सुबह से लाइन में लगे हैं, बैंक खुलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बैंक खुलने के अलावा अगर एटीएम की बात की जाए
तो पंजाब नेशनल बैंक का जो एटीएम है ये बंद है। और ये बताया जा रहा है, जो लोगों का कहना है कि जब से नोटबंदी का ऐलान हुआ है यानी कि 8 तारीख से, उस दिन ये एटीएम खुला था और उसके बाद से इसी तरीके से एटीएम बंद है, कैश नहीं होता है। लोग यहां पर मौजूद हैं, लोगों से बात करते हैं, ये जो एटीएम है कब से एटीएम बंद है और कब से यहां पर सर्विस नहीं है एटीएम की? सर जब से ये स्कीम हुई है पैसे चेंज करने की तब से ये एटीएम बंद ही है। कोई यहाँ पर कोई दिखने आया कोई वो नहीं कि कैश डले या कोई लाइन लगे। बैंक बगल में ही है तो बैंक के लोग बताते हैं एटीएम क्यों बंद है, एटीएम क्यों नहीं चल रहा है? एटीएम में पैसे नहीं, कैश ही नहीं आ रहा। नोटबंदी के बाद आज 17वां दिन है। मुंबई जैसे महानगर में अभी भी एटीएम रिकैलिब्रेट नहीं हुए हैं। मैं इस वक्त मुंबई उपनगर के असलफा इलाके में हूँ। असलफा इलाके में आप एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम देख सकते हैं। दोनों एटीएम सेंटर के शटर डाउन है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर कैश नहीं है। यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि दिन में एक बार कैश आता है और महज 1.5 से 2 घंटे में कैश खत्म हो जाता है। संदीप भोसले हमारे साथ हैं जो यहीं इस इलाके में रहते हैं। संदीप, आप इसी इलाके में रहते हैं क्या? आप यहीं से पैसे निकालते हैं और आप जब से नोटबंदी हुई है कितनी बार आपको यहाँ से कैश मिला? मैं यहाँ पे रहता हूँ असलपे के बाजू में। मेरा पेमेंट इसी बैंक में आता है। जब से नोट बंद हुआ है तभी से यहाँ पे एक भी बार नोट आया ही नहीं और मैंने एटीएम से पैसा निकाला। आपने कभी यहाँ पर कतार खड़ी देखी या पैसे भरते हुए देखे, सुना कब आएगा, कभी देखा है किसी को? नहीं, जब से नोट बंद हुआ है तभी से पैसा ही नहीं डाला तो कतार खड़ी रहने का प्रश्न ही नहीं है। कभी रात के समय में कतार में लोग खड़े हों ऐसे आपको जानकारी हुई हो, लेकिन दिन में खत्म हो गया हो? नहीं, कभी नहीं। आपकी जानकारी में ऐसा नहीं? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। जब से नोट बंद हुआ है तभी से कभी कतार नहीं खड़ी हुई है और एटीएम में इधर पैसा ही डाला नहीं। सरकार का ये कहना था कि एटीएम मशीन्स को रिकैलिब्रेट किया गया है यानी कि ज्यादातर एटीएम काम करेंगे। इस वक्त हम दिल्ली के कनॉट प्लेस में आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम में है। यहाँ पर 6 मशीन्स है लेकिन ये काम कर रही है। जानते हैं कि 6 जो मशीन्स है एटीएम मशीन्स, क्या ये काम कर रही है? नहीं कर रही है, इसमें एक भी कैश नहीं है। कब, कितनी देर पहले खत्म हुआ? ये हुआ 1/2 घंटे। यहाँ के जो गार्ड्स हैं जब हमने उनसे बात की तो उनका ये कहना है कि 24 घंटे में इसको भरा जाता है और लगभग एक दिन ये काम करता है, लेकिन फिलहाल जो आईसीआईसीआई बैंक का जो एटीएम है वो फिलहाल काम नहीं कर रहा है। आपको बता दें कि बिल्कुल बगल में ही पंजाब नेशनल बैंक है, वहाँ भी 2 एटीएम मशीन्स है जिसमें कि एक मशीन काम कर रही है। कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ श्रेया बहुगुणा, एबीपी न्यूज़ दिल्ली।